ये रही आपकी टाइमिंग, आप अपनी टाइमिंग फॉलोवर्स के हिसाब से ही अपलोड करना। कोई भी यूट्यूबर बताते हैं भाई इतना बजे अपलोड करो उतना बजे अपलोड करो, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो। आपके फॉलोवर्स जब एक्टिव रहेगा तभी अपलोड करना, तभी व्यूज आएंगे, वरना कोई फॉलोवर्स बोल देंगे भाई 2 बजे अपलोड करो, आपका फॉलोवर्स अब 2 बजे खाना खा रहा होगा। तो हे गाइज, मेरा नाम है फैसल, आप देख रहे हो टेक ग्रो चैनल, फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को और रील्स को कैसे ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहो, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, आपको सुनना है और वो करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अगर आपको ये सब अभी नहीं करना है, वीडियो पसंद आएगा तो ही करना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखो। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं चलता हूँ इंस्टाग्राम की ओर, पहले मैं खुद करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरों को बताता हूँ। पहले मैं लाइव प्रूफ में अपना दिखा देता हूँ गाइज। तो फाइनली गाइज, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ गया हूँ, जो कि देख सकते हो मेरा 110K फॉलोवर्स है। आप रिसेंट में देख सकते हो मेरा 110K फॉलोवर्स है, ये सिर्फ 2 महीने के अंदर में हुआ है। सिर्फ 2 महीने के अंदर में इतना फॉलोवर्स हुआ है, इतना मेरा अकाउंट ग्रो हुआ है। ये देखो रीच मेरा, देखो 8.5 मिलियन, 8 लाख से ऊपर एंगेजमेंट मिला, टोटल फॉलोअर्स सिर्फ 1 महीने के अंदर में। वो देखो 1 महीने के अंदर में 66,000 फॉलोअर्स आए, 66,000 1 महीने के अंदर में। आप देख सकते हो, मैं सब अंदर जाके पूरा दिखाता हूँ मैं आपको, देख लो 8 लाख से ऊपर रीच है, पूरा 10 मिलियन था, अभी 8 मिलियन है सिर्फ। तो मेरे पोस्ट पे एंगेजमेंट देख सकते हो यार, 27,000, 16,000। देखो टॉप रील्स, मेरा रील्स व्यूज़ देखो, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, दिखाता हूँ कि मेरा कितना व्यूज़ आता है, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 2.6 मिलियन, 1.3 मिलियन, 600+ के, 500+ के, 400+ के, 250+ के, मतलब व्यूज़ आप देख ही सकते हो यार कितना सारा आ रहा है यार। आपका भी अकाउंट ऐसे ही ग्रो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपका अकाउंट पक्का ग्रो होएगा। और लाइक कर दो, क्योंकि मैं इस इंस्टाग्राम का हर टिप्स एंड ट्रिक मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग जाएँ मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर लिस्ट में जुड़ जाए, और आपका भी इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स मिलता रहेगा। तो मैं बता दूं आपको, इंस्टाग्राम ग्रोथ होने के लिए करना कुछ नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वही करना है आपको। आपने लाइव प्रूफ तो देख लिया, मैं बताता हूँ उसके बाद आपको करना क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप सोच रहे होंगे यार मेरा तो यार किसी में 500 फॉलोअर्स है, किसी का 1,000 होगा, किसी का 5,000 होगा। तो मैं बता देता हूँ, जिसका 1,000 से ऊपर फॉलोअर्स है, अगर वो रियल है तो मैं बता देता हूँ, मतलब जब 1,000 फॉलोअर्स है तो पर वीडियो पे 100+ व्यूज़ आने चाहिए। पर वीडियो पे 100+ व्यूज़ अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज़ है। वो फ्रीज़ कैसे देखना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपका अकाउंट फ्रीज़ है या अनफ्रीज़ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर स्किप करोगे तो अभी आप मेरा वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मैं सही कहता हूँ। अगर आप वीडियो देख सच में ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो, वरना आप यहीं से एग्जिट करके जा सकते हो। थैंक यू। बट जो भी लोग अभी ग्रो करना चाहते हैं तो वो वीडियो के अंत तक देखो, इसमें करना कुछ नहीं है। मैंने बताया जिसका 1,000 फॉलोअर्स है, अगर उसका कम से कम पर वीडियो पर 100 व्यूज़ आ रहा है तो उसका अकाउंट सही है, अगर उसके नीचे आ रहा है तो उसके उसका अकाउंट फ्रीज़ है। तो फ्रीज़ अकाउंट भी कैसे पहचान है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिसका ज्यादा फॉलोवर से अच्छा खासा एंगेजमेंट आ रहा है, तो वो न्यू अकाउंट क्रिएट ना करे। उसके अकाउंट पर अगर व्यूज नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, उसके अकाउंट में व्यूज अगर नहीं आने का वजह है कि वो एक कंटेंट अपलोड नहीं करते होंगे। जैसे ये मेरा देखो, मेरा एक ही कंटेंट है, फ्लिप वाला वीडियो अपलोड करता हूँ, ओनली फ्लिप। मेरा नाम ही इंडियन फ्लिपर, आप गूगल पर सर्च करो, इंस्टाग्राम पर सर्च करो, आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ फ्लिप वाला ही वीडियो अपलोड करता हूँ, वो भी एक ही कंटेंट का वीडियोज है, सारे के सारे एक कंटेंट है, सारे के सारे एक कंटेंट है। तो आपको एक कंटेंट ही अपलोड करना है, फर्स्ट स्टेप आप याद रखें, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, आप इसे याद रखें। आपको एक ही कंटेंट अपलोड करना है, चाहे न्यू अकाउंट हो चाहे ओल्ड अकाउंट हो। ओल्ड अकाउंट पर अगर आपने कभी शाहरुख खान डाल दिया, कभी अपना वीडियो डाल दिया, कभी सलमान खान का वीडियो डाल दिया, कभी बिग बॉस का डाल दिया, वो सब आपको नहीं करना है, उससे आपका अकाउंट पर एंगेजमेंट रीच नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले एक कंटेंट बना लेना है। एक कंटेंट बनाने के बाद उसके बाद आपको एक यूज़र नेम अट्रैक्टिव लिखना है। मतलब यूज़र नेम में ये होता है कि यूज़र नेम ऐसे नहीं लिखना है, जैसे ये डैश हो गया, ये हो गया 77, ये ऐसे आपको नहीं लिखना है। आपको यूज़र नेम ऐसे लिखना ही नहीं है, पूरा जैसे क्लोज है, जैसे मेरा क्लोज है, आपको पूरा क्लोज करके यूज़र नेम लिखना है, ऐसे यूज़र नेम ही लिखना है। आपको नंबर डालकर कुछ भी डालकर नहीं लिखना है, ओके। तो आपको यूज़र नेम भी चेंज करना है, और वो भी अट्रैक्टिव यूज़र नेम होना चाहिए। ऐसा ना कि सलमान खान का आपका वीडियो कुछ और है, आप सलमान खान का नाम डाल दिए, आपका फिर वीडियो कुछ और है, आप शाहरुख खान का नाम डाल दिए, ऐसा नहीं होता। आपका यूज़र नेम भी वीडियोस के कंटेंट के हिसाब से मिलना चाहिए, आपका नाम हो तो चलता है। आपका यूज़र नेम भी एकदम क्लोज होना चाहिए, बाकी डैश ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए,
नंबर वाला तो बिल्कुल सही होता ही नहीं है, तो नंबर वाला रखो तो कम से कम एक दो संख्या रखो, उससे ज़्यादा नहीं। और कुछ लोग होते हैं यार स्पेस डाल के 5, 2, 10, 20, मतलब जितना होता है उतना स्पेस डाल देते हैं यार। यूज़र नेम अट्रैक्टिव लगता ही नहीं है, लोगों को लगता है क्या ये कैसा ये मतलब लोकल यूज़र है, इसको कौन फॉलो करेगा कौन लाइक करेगा। तो हाँ आपने सही सुना, आपको एकदम यूज़र नेम ऐसा ही मैंने जैसे डाला सटा के आपको ऐसे ही क्लोज करके लिखना है। तो बात रह गई सेकेंड स्टेप, तो मेरा पूरा हो गया, आप इसे याद रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या था वो आपको याद ही होगा, आप वीडियो सीख करके देख सकते हो। मैं फिर से बताता हूँ कि आपका एक कंटेंट होना चाहिए, यूज़र नेम पूरा क्लोज होना चाहिए बल्कि सही होना चाहिए। और हाँ उसके बाद तीसरे स्टेप में आना है आपको, तीसरे स्टेप में बायो सही से लिखना है। हाँ आपने जिस कैटेगरी के आप वीडियो अपलोड करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर, उस कैटेगरी की बायो लिखो। जैसे मेरा ये फ्लिप वाला कंटेंट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लिप, जंपिंग, स्टंट, सब कुछ लिख दिया। आई एम इंडियन मैनेजर बाय क्रिएटर डीएम पेंटमोटिवेशन, अब मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें। आप भी अपने बायो में कंटेंट के हिसाब से आप अपना बायो लिखे, हिसाब से आप बायो लिख लेना एकदम अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद नाम भी अपना यूजर नेम के हिसाब से रख लेना। फोर्थ स्टेप की तरफ, इसमें आपको डीपी अट्रैक्टिव लगाना है जो कि आपके कंटेंट के हिसाब से। अगर आप अपना वीडियो बना रहे हो तो अपना फोटो एकदम फेस वाला लगा दो। उसके बाद अगर आपका फॉलोइंग ज़्यादा है, फॉलोवर्स कम है, तो आपको अपना फॉलोइंग कम करना है। अगर आपका फॉलोवर्स 50 है, अगर आप किसी 150 बंदे को फॉलोइंग कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है, आपको 50 से कम ही रखना है। फॉलोइंग कभी भी फॉलोवर्स से ज़्यादा नहीं रखने का। आपको एक हाईलाइट भी लगा लेनी अच्छी से। बाकी कुछ लोग होते हैं यार कभी कुछ डाल दिया हाईलाइट में, कभी कुछ, और कवर पिक नहीं लगाते, कवर नहीं लगाते। ये देखो मेरा कवर लगा हुआ था, पूरा कवर ही है। तो फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं, आपको हाईलाइट भी एक अच्छे तरीके से लगा लेना कवर के साथ, ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट आप प्रोफेशनल हो जाएगा, आपको प्रोफेशनल पे क्रिएट कर लेना है। आपको मालूम होगा कोई भी क्रिएटर हो तो प्रोफेशनल ज़रूरी है, तो आपको प्रोफेशनल पे क्रिएट कर लेना है। प्रोफेशनल पे आपका किस कैटेगरी पे कौन सा वीडियो अपलोड करना चाहिए, किस कैटेगरी पे सेलेक्ट करना चाहिए, अगर उसकी वीडियो चाहिए हमको कौन सा मतलब क्रिएटर पे कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करें, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर, तभी मैं उस पर वीडियो। मैं अभी फ़िलहाल के लिए बता दूँ कि आपको पब्लिक फिगर, अगर आप कौन सी कैटेगरी के हिसाब से, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हो तो पब्लिक फिगर में ऑल आ जाते हैं, लेकिन पब्लिक फिगर में आपको इंगेजमेंट बहुत कम आएगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप अगर वीडियो क्रिएटर हो तो वीडियो क्रिएटर ही सेलेक्ट करो, गेमर हो तो गेमर ही सेलेक्ट करो, नॉट पब्लिक फिगर। पब्लिक फिगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसमें इंगेजमेंट कम आएगी। अगर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा तभी लाइक मिलेंगे, ज़्यादा इंगेजमेंट, ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी। अगर इंगेजमेंट कम होगी तो आपका व्यूज़ भी स्टॉक हो जाएगा। तो पब्लिक फिगर तभी सेलेक्ट करना है जब आपका वीडियो पूरा स्ट्रगल वाला एकदम हार्ड वाला हो, तभी आपका पब्लिक फिगर सेलेक्ट करना है। नहीं तो आपका जो कैटेगरी है वही सेलेक्ट करना है, वीडियो क्रिएटर या गेमर कोई कुछ भी हो तो आपका उसी कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं कैटेगरी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। तो चलते हैं फ्रेंड्स 8 स्टेप पे। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको डेली वीडियो अपलोड करना है, डेली रील्स अपलोड करना है। उसके बाद एक कंटेंट से ही आपको डेली रील्स अपलोड करना है। ये मत सोचना है भाई मेरा एक व्यूज़ आया, मेरा 10 व्यूज़ आया, आपके 10 व्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, व्यूज़ के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना गाइज। मैं 10 व्यूज आ रहा है, 20 व्यूज आ रहा है, ऐसा नहीं। मैं टाइमिंग बता देता हूँ कितना टाइमिंग अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक दिन में कम से कम 2 या 3 वीडियो अपलोड करो, एक दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड करो, रील्स अपलोड करो। उसके बाद हफ्ते में 1-2 पोस्ट आना ही चाहिए। जैसे ये मेरा पोस्ट है, हफ्ते में 1-2 पोस्ट मैं करता ही रहता हूँ, ताकि पोस्ट करने से ऐसा लगता है कि हाँ भाई बंदे एक्टिव रहते, पोस्ट करने से रीच डाउन नहीं होती है। वरना अगर पोस्ट अगर नहीं करोगे तो आपका पोस्ट वाली रीच डाउन हो जाती है, ऐसे करते करते रील्स भी रीच डाउन, पूरा अकाउंट रीच डाउन हो जाती है। कंपनी को लगता है भाई ये एक्टिव रहता ही नहीं है। तो आपको पोस्ट भी करना है, पोस्ट में वीक में 1-2 कर ही देना है आपको। तो रील्स तो डेली अपलोड करना है, उसके बाद पोस्ट भी हफ्ते में 1-2 कर ही देना है। अगर आप पोस्ट ज़्यादा मतलब फ़ोटो ज़्यादा क्लिक करते हो तो आप पर डे भी पोस्ट अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको कम से कम एक हफ्ते में एक फ़ोटो आना ही चाहिए। रील्स अपलोड का टाइमिंग मैं बता देता हूँ आपका। अगर 100 फॉलोवर्स है तो उसमें तो आपको टाइमिंग नहीं दिखेगा, अगर आपका 100 फॉलोवर्स से ज़्यादा है तो वो आपका टाइमिंग कैसे दिखेगा कि आपका फॉलोवर्स कब एक्टिव रहते हैं। तो वो आप अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करें, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद एनालिसिस में जाए, इनसाइट्स पे जाने के बाद फॉलोवर्स पे टैप करें। जैसे ही फॉलोवर्स पे टैप करेगा नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको मंडे, संडे, ट्यूसडे जितना डे वीक होते हैं सबके आ जाते हैं। आपको यहाँ पर टैप करना है और जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे देख लो मेरा 9 बजे 13,000 बंदे एक्टिव रहते हैं, 12 बजे 14,000 बंदे एक्टिव रहते हैं,
3 बजे 13,000, फिर 6 बजे शाम में 15,000 बंदे एक्टिव रहते हैं। मतलब यहाँ से आप एक्टिव बंदे सब देख के आप उसी टाइम में वीडियो अपलोड करो, ये आपका करेक्ट से टाइम रहेगा। और यहाँ पे आपका फॉलोअर्स भी एक्टिव रहता है, जब रील्स अपलोड करोगे तो आपका फॉलोअर्स के पास ही वीडियो जाएगा, आपका फॉलोअर्स भी लाइक करेगा। ये रही आपकी टाइमिंग, आप अपनी टाइमिंग फॉलोअर्स के हिसाब से ही अपलोड करना। कोई भी यूट्यूबर बताते हैं भाई इतना बजे अपलोड करो उतना बजे अपलोड करो, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो। आपके फॉलोअर्स जब एक्टिव रहेगा तभी अपलोड करना, तभी व्यूज आएंगे। वरना कोई फॉलोअर्स बोल देंगे भाई 2 बजे अपलोड करो, आपका फॉलोअर्स अब 2 बजे खाना खा रहा होगा, तो बताओ आपका व्यूज़ कैसे आएगा। तो भाई सब यूट्यूबर का नहीं देखना है। अगर आपका ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पूरा स्टेप समझ में नहीं आए हो तो इस वीडियो को आप फिर से देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।